लाहौल स्पीति में जनता द्वारा कृषि मंत्री का रास्ता रोक कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का विरोध करने पर सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के कदम को तानाशाही पूर्वक करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों की कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी, मगर यहां तो उल्टा मंत्री ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपने ही क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर सरकार के महामारी के प्रति दोहरे मापदंड अपनाने का कार्य किया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार का कोरोना के प्रति रवैया आरंभ से ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। पहले भाजपा के दो सांसदों और प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसके उपरांत दूसरे प्रदेशों से घर वापस आए लोगों को क्वारंटाइन करने में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का रास्ता रोकने के लिए जिस तरह से लाहौल स्पीति के जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, स्पष्ट है सरकार की जो तानाशाही है उसको परिलक्षित करता है। होना तो ये चाहिए था कि जनजातीय क्षेत्र के इन लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए, जागरूक होने के लिए शाबाशी दी जाती, उनकी पीठ थपथपाई जाती, लेकिन इस पूरे प्रकरण को कृषि मंत्री ने जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और वहां सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तारियां वहां हो रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार प्रारंभ से ही कोरोना वायरस से निपटने में कंफ्यूजन की स्थिति में रही है और दोहरे मापदंड अपना रही है। शुरू में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने और प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों ने सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई, नियमों की उल्लंघना की। उसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से क्वारंटाइन सेंटर डेस्टिनेशन बनाने की बात कही और अभी हिमाचल प्रदेश को फ्री फॉर ऑल करके सब लोगों के लिए हिमाचल की सीमाएं खोल के वो जो मुख्यमंत्री का एक सोच थी क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाने की, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने अमली जमा पहना दिया। सरकारी बसों में, प्राइवेट बसेस में फुल ऑक्युपेंसी के साथ उनको ऑपरेट करने की इजाजत सरकार ने दी, लेकिन सरकार की इजाजत के बावजूद जो बसें हैं लोग उनमें नहीं बैठ रहे, लोग उनमें ट्रेवल नहीं कर रहे। सरकार को लोगों की सोच, लोगों की भावना और लोगों की जो सजगता है उसका सम्मान करना चाहिए और उसका सम्मान करते हुए अपना जो हिमाचल को की सीमाएं सबके लिए खोलने का जो फैसला है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करने का फैसला सरकार ने लिया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लाहौल स्पीति के अंदर जिस तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, लोगों के गिरफ्तारियां की जा रही हैं, वो सारे मुकदमे जो हैं वो सरकार को तुरंत प्रभाव से रद्द करने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना की जो बीमारी है उसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और सरकार को सजग होने की बजाय इस तरह की ढील देकर इस संक्रमण को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। लोग सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से नाराज हैं, असहमत हैं और लोगों की जो भावना है, लोगों की जो राय है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाए, सरकार फैसले ले, नहीं तो इस प्रदेश में इस संक्रमण को बढ़ने से और कम्युनिटी स्प्रेड से कोई रोक नहीं।